ने हे के कही, हे प्राण प्रिय ये क्या हुआ, बोलो तो बेढंग क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े पर हो रहा मलिन रंग क्यों है। के कही ये बता तूने ये क्या हालत कर रखी है। अरे के कही अरे किसी ने आके दिखलाई हो आके उसकी फुड़वा दूंगा, किसी ने हाथ उठाया है तो हाथ उसका कटवा दूंगा। ये के कही ये तुम्हारा खिलखिलाता चेहरा आज उदास क्यों है, क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों बाहर तुम्हें सता रही, जो प्राण से तुम्हें प्यारा है उसका राज तिलक कल है। उठो के कही अरे तू तो मेरी प्राण से प्रिय है। के कही अरे क्या बात है, उठो के कही तू मेरे महलों की रानी, तुम्हारे बिगर ये महल ये राज ये पाठ ये सब कुछ सुना है। के कही उठो 16 सिंगार करो, तुम्हें पता है कल हमारा राम राजा बनने वाला है। हे महाराज कौन तुम्हारी होती वो क्यों मुझे सताने आए हो, मन में स्वार्थ रखते हो बातों से मनाने आए हो। इस दुनिया में कौन किसी का सब मुंह देखे कि वो प्राण प्रिय। दो वरदान कोई चीज नहीं, जितने चाहे भी ले डालो, मैंने सीखी ना नहीं जो मन में आए ले डालो। हे महाराज पहले तो आप चुप रहिए, मैं आपको क्या मांगती हूँ वो पहले सुनिए। रानी हे महाराज कुछ क्रोध नहीं कुछ अपवास नहीं करती हूँ मैं उपवास नहीं, सच तो ये राजा जी मुझे पुरुषों पे विश्वास नहीं। अरे केकई तू ये क्या कह रही है, तू तो मेरी प्राण प्रिय है। अरे ये संसार ये सृष्टि ये पाताल ये आकाश जहां तक तेरी नजर जाती है ये सब कुछ मेरा ही तो है, तू आज जो चाहे मांग मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। हे महाराज आप मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो और आप सत्यवादी हो तो सोगंद राम की खा जाइए पहले आप। कही सोगंद राम की, अरे क्यों ऐसा क्या तुझे चाहिए कि मुझे राम की सोगंद लेनी पड़े। हे महाराज राम की सोगंद क्यों खुआ रही हूँ, क्योंकि आपके पास में देवासुर संग्राम के दो वरदान रखे हुए थे। हाँ जो आपने क्या बोला कि वरदान मांगू रानी, तो मैंने बोला समय पाकर मांगूंगी, तो आज मेरा समय है आज मेरा वो वरदान। रानी चलो कोई बात नहीं, तुम प्राण प्रिय हो, तुम मेरे महल की रानी हो, तुम चकोर हो, चलो मैं राम की सुगंध का के कहता हूँ, रानी आज जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा,
लेकिन पहले ये रंग बेढंग कर रखा है। रानी इन आंखों को वो चकोर वाली चांदनी बनो, पहले जाओ महलों में जाओ और 16 श्रृंगार करो, फिर चाहे आज तुम मेरे प्राण भी मांगोगे तो मैं तुम्हें मेरे प्राण दे दूंगा। ऐसी बात है महाराज? हाँ हाँ के कही। हाँ ठीक है तो महाराज मैं जाती हूँ। जाओ 16 श्रृंगार करो। महाराज ये हुई ना बात, तूने ये बता एक छोटे से बात के लिए तूने मुझे राम की सौगंध दे दी। केकि तुझे जो चाहिए वो मांग ले, लेकिन मेरे राम की सौगंध क्यों दी? महाराज मैंने जो आपको सौगंध दिलाई है वे किस लिए दिलाई है? आप मुझे वरदान दीजिएगा और नहीं तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ। केकई आप सुन, तू सुन रही है? कल तेरा राम, तू जिसको भरत के समान मानती है, कल तेरा राम राजा बनने वाला है। चारों तरफ देख अयोध्या को सजाया गया है, तेरा राम राजा बनने वाला है। महाराज आपके राम राजा बनने वाले वे भी मेरे पुत्र है, कोई दूसरे नहीं है, लेकिन आप पहले मेरी मन की इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ये कह रखा है कि आप पहले मेरे वरदान दीजिएगा उसके तेरा राम राजा बनने वाला है। महाराज आपके राम राजा बनने वाले वे भी मेरे पुत्र है, कोई दूसरे नहीं है, लेकिन आप पहले मेरी मन की इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ये कह रखा है कि आप पहले मेरे वरदान दीजिएगा उसके बाद में आप जो चाहे वो कर सकते हैं। कोई बात नहीं, दो वरदान तो कोई चीज नहीं, दो जितने भी चाहे ले डालो। मैंने सीखी ना नहीं, जो मन में आए वो ले डालो। गजे तो अति बरसे नहीं, ये सब धोखा मेघों में है। लो ना कहा कब कहा, बस एक बात मर्दों में है। महाराज वही तो मैं कह रही हूँ, हाँ मर्दों में है, लेकिन ऐसे भी मर्द होते हैं जो कह करके पलट जाते हैं, मैं वे शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ। कोई बात नहीं कह कही, मैं आज राम की सौगंध कहके कहता हूँ, राम की सौगंध कहके कहता हूँ कि कई तू आज मेरे प्राण भी मांगेगी तो मैं तुझे दे दूंगा। सौगंध खा रहे ना? हाँ राम की सौगंध कहके कह रहा हूँ। सुनो प्राण पति प्राण नाती, अब मैं अपने वर मांगती पहले वर राम के बदले में, ये राज भरत को चाहती हूँ। महाराज कानू को खोल करके सुन लेना, मैं आपसे जो पहले मांग रही हूँ ना, ये मेरे वरदान यही है। पहला वरदान मुझे मेरे पुत्र को ये राज अभिषेक यहाँ का चाहिए। बस एक छोटी सी बात, अरे मेरा राम तो कल सभा में राम ने पहले कह दिया था कि मैं राजा नहीं बनना चाहता, वो तो खुद चाहता है कि भरत राजा बने। केकई मुझे तेरा वरदान मंजूर है, तू कहे तो निश्चिंत रहे, मैं भरत और शत्रुधन को ननियाल से बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकालकर भरत को राज दे दूंगा। क्यों नहीं क्यों नहीं, अब सुनिए महाराज। हाँ हेलो सुनिएगा, और दूसरा जो वर चाहिए मेरा वो सुन के संकोचित मत होना, यदि सत्रिंद्र से खिलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। कानू को खोल के सुन लेना जी रानी, ये राम जो राजा होते हैं ये राजा नहीं युदासी है, कल
से ही 14 वर्षों तक तपस्वी बनकर वनवासी है। की कही तू क्या कह रही है महाराज? के कही तू क्या कह रही है? मैं यही कह रही हूँ के कही राम मेरी आंखों का तारा है, के कही तू मुझसे कुछ भी मांग ले, तू चाहती है भरत राजा बने, मुझे तेरा वरदान मंजूर है। के कही तू मेरे राम को मुझसे दूर बंद कर, अरे मैं प्रजा को क्या कहूंगा, एक बुढ़ापे में गए अंदर, एक पत्नी के चक्कर में आकर एक चक्रवर्ती राजा दशरथ ने उस राम को वनवास दे दिया। महाराज यदि प्यारी से प्यार तुम रखते हो, प्यारी से प्यार तुम रखते हो तो प्यारी के सन्मुख बोलो, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो जल्दी से एम वस्तु बोलो। हे रानी और सुनिए महाराज, ये वरदान जो मैंने मांगे हैं सुन लेना महाराज, ये वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं इनको बदल नहीं सकती, पड़ गई है रेखा ये पत्थर पे, ये धोने से बिखर नहीं सकती। ये कह कही तू कुछ भी मांग ले, लेकिन मेरे राम को मुझसे अलग मत कर। कह कही महाराज आप इतने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? महाराज महाराज मैं एक उपाय बताती हूँ महाराज, बात गरीब है सुन लेना कानों को खोल करके, महाराज बात गरीब है, कुछ पंचों में अपमान नहीं हुए, तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा ये वरदान नहीं। एक ही कही याद रखना, सूरज के बिना ये संसार रह सकता है, जल के बिना मछली रह सकती है, लेकिन मेरे राम के बिना दशरथ के प्राण नहीं रहेंगे। अरे के कई समझ, ए नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिरा रही, जो सत्य हमारा जीवन है तू उससे आज हमें गिरा रही। हम सूर्य वंश के राजा हैं, लाली माँ नहीं आने देंगे, जो संघर्ष है मांगा है वो सर्वस्व देंगे, वचन नहीं जाने देंगे। हे रानी महाराज क्या आंसू बहाने लग गए, स्त्रियों के तरह रोने लग गए, इतनी सी बात के लिए रोने लग गए? मैं आपको सुनाती हूँ आपके कुल में कौन कौन सत्यवादि राजा हुए हैं, सुनिएगा ध्यान से, मैं कौन कौन राजा हुए जिनके नाम आपको कह करके सुनाती हूँ। हाँ कह कही सत्यवादि था एक हरिश्चंद्र, सत्यवादि था एक हरिश्चंद्र, जिसने सतत जाने संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग हो जगमगा रहा था मरकटी में। महाराज सुनिएगा, दूसरे हुए महाराज शिव, जो नहीं सोचते थे अपना, ये भी आपके कुल में हुए। दूसरे हुए महाराजा शिव, जो नहीं सोचते थे अपना, वो रक्षा पे वो कबूतर के जी।
जो स्वेष दान का लेते थे वो जब आकर अपना काट काट कर तोला करते थे और ददिच जब कोई भी आकर के मांगता तो हड्डी अपनी काट काट कर देते थे। लेकिन आप उस कुल में होकर के कायरों की तरह आंसू बहाने लग गए, रोने लग गए, स्त्रियों के तरह रोने रहे। महाराज शर्म खाने की बात है, अब सुनिएगा। हाँ के कही, मैं मांगती हूँ अपना कर्जा, सुन लेना कानों को खोल करके। हाँ दादी। अब मैं मांगती हूँ अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है वो तुम हरिश्चंद्र के वो कुल में हो, बस दे दो यही मुनासिब है। महाराज यदि आपको मेरे वरदान देना है तो आप जल्दी से जल्दी हाँ कर दीजिएगा, वरना आप इनकार कर दीजिएगा। रानी क्या उलझन है, वरदान ना दे तो धर्म हमारा जाता है, इस राम और वन जाता है और प्राण सिधारा जाता है। चंद्र टले सूरज टले, कले वेर या फीकी, चले तले ना क्षत्रिय सत्य से, ये है रघुकुल की रीति। हे प्राण प्रिय, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही रानी, तू अपने पाहों पे आज खुलाड़ी मार रही। हे रानी तू नहीं सोच रही कि राम और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न मुझे चारों पुत्र प्यारे हैं। मैंने कभी भरत को अलग नहीं समझा, मैंने कभी राम को अलग नहीं समझा। तू चाहती है कि भरत राजा बने तो मैं कल सवेरे भरत को बुलाकर उसे राजा बना दूंगा। लेकिन कैकेयी मैं तेरे चरणों में गिरता हूं, तू मुझे क्षमा कर दे, तू कुछ भी कर लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत कर। महाराज अरे मैं क्या जवाब दूंगा उन अयोध्या वासियों को जो एक पत्नी के प्रेम में आकर एक राज से पुत्र को वनवास दे दिया। तो कुछ भी बात महाराज, यदि आपको वरदान देना है तो दीजिएगा, नहीं तो आप यहां से वापस चले जाइए और कौशल्य के महल में चले जाइए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, या तो आप चले जाइए नहीं तो आपको छोड़ करके मैं कहीं दूसरी जगह चली जाती हूँ। रो रहे हो, शर्म खाने की बात होना चाहिए। तूने सोच लिया, तू अभी आपे पे में नहीं है, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पे बहुत पछताएगी। केकई ये दुनिया कोई किसी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। आज जो तू मुझसे मांग रही है, तू मेरे प्राण भी मांग लेती तो केकई तुझे दे देता, लेकिन तूने तो आज मेरे राम को मुझसे अलग कर दिया। मैं क्या कहूंगा राम से कि हे राम तुझे कल राजा नहीं बनना, तुझे कल वनवास जाना है। महाराज आप यदि मुझे नहीं दे सकते हो, आप मर्द कहलाते हो, मर्द कहलाते हो और आप कुछ नहीं देते हो, तो मैं एक स्त्री होकर के मैं आपसे ये वरदान वापस दे रही हूं, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहती। नहीं केकई तू नहीं जानती, हम क्षत्रिय वंश वाले हैं, हम
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे प्राण चले जाएंगे लेकिन कैकेयी अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। यदि वचन पे अटल हो तो मेरे वरदान आप दीजिएगा, नहीं तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ। ठीक है कैकेयी, जब तूने आज सोच लिया कि राम वन जाना चाहिए और भरत राजा बनना चाहिए, तो ले मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। कीजिएगा। ठीक है कैकेयी, तू कह रही है तो आज भरी सभा में सूर्य चंद्र अग्नि वायु आकाश पाताल सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, पानी समुद्र में हो पहाड़ों में चाहे मगर जाए, हम वह नहीं हैं जो अपनी बात से मुकर जाएं। हे रानी, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होगा। नहीं होगा तो महाराज मैं तुमसे यही चाहती हूँ, राम जिसको 14 साल का वनवास और वनवास में भी सन्यासी की तरह बाहर चले जाना चाहिए। हे कैकेयी, सौगंध सहित लो सुन रानी, मेरा कथन वीर प्रतिज्ञा है, है क्षत्रिय का ये वचन, मध्यस्थ मेरी बात का ये है राजभवन, साक्षी है ये आकाश ये पाताल और ये पवन। आज यह पहली बार ही उस पाकर नाम की हे रानी सौगंध खाता हूं आज मेरे राम की। वरदान मुझे मिल चुका है, लेकिन आप आंसू क्यों बह रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? इतनी सी छोटी सी बात के लिए सत्वादी राजा होते हो वे भी तुम रो रहे हो, रोना नहीं चाहिए। मैंने जो वरदान ये मांगा है ना, मैं इनको बदल नहीं सकती है, ये पड़ गई है रेखा पत्थर पे, तो धोने से बिखर नहीं सकती। हाँ जीव आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, इन्हें बुढ़ा आंखों के आगे राय में तुम्हें बताती हूँ। महाराज यही बात है कि या तो आप मेरे वरदान दे चुके हैं तो राम को इजाजत दीजिएगा, वनवास के लिए चले जाएं। हे रानी, तेरे सामने सब कुछ तुझे दे चुका हूँ, लेकिन ये बता, जब राम को पता चलेगा कि मुझे कल राजा बनना था और आज मेरे पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया, ये पूरी प्रजा ये पूरी अयोध्या वासी मुझे कितनी ताड़ना देंगे, कितना भला बुरा कहेंगे कि एक पत्नी मोह में आकर एक पत्नी की खातिर अपने पुत्र को वनवास दे दिया। हे रानी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। कोई चिंता नहीं, मैं कुछ नहीं मानती हूँ। आप जानते हो मैंने जो ये वरदान मांगे मैं इनको बदल नहीं सकती हूँ, राम को वनवास ही होना चाहिए। ठीक है, हे पृथ्वी हे आकाश हे पाताल, मैं क्या राम को मुझ खिलाऊंगा, जब मेरे राम को पता चलेगा। और आज हमारे बीच जयपुर से धैर्यानंद गिरी जी महाराज पधारे हैं, किन्नर समाज से। एक बार महाराज श्री का रानी जी ने तुम्हें याद किया है और को भवन में बुला रहे हैं आपको, जाओ। हे माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो पुत्र श्री राम, प्रसन्न रहो। हे माता जी, पिताजी को क्या हुआ है? बेटा राम, ये तुम्हारे पिताजी ये तुम पे सने बहुत ज्यादा रखते हैं,
इस कारण से ये व्याकुल हो गए हैं। हे पिता पिता, हे पिता पिता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम्हें मूर्छा आई है या किसी रोग ने घेरा है जो तबीयत ज्यादा घबराई है? माता माता, मंत्री मंत्री, मेरे पिता क्यों रुसाए हैं? या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? हे पिताजी, क्या हुआ तुम्हें? हे पिताजी, हे मेरे राम। पिताजी मेरे राम, मेरे राम। तुम्हारी माँ के कहने ठीक। आइए द्वारपाल जी। महाराज जी, याचक लोग महाराज का बाहर दरबार में इंतजार कर रहे हैं। कारण क्या है? महाराज दरबार में नहीं आ रहे हैं। देखिएगा, ऐसा है, तुम जाओ और श्री राम को यहाँ पे भेज दो। उन्हें जाकर के ये बोलना है कई महारानी जी ने तुम्हें याद किया है और को भवन में बुला रहे हैं आपको। जाओ। हे माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रसन्न रहो पुत्र श्री राम, प्रसन्न रहो। हे माता जी, पिताजी को क्या हुआ है? बेटा राम, ये तुम्हारे पिताजी ये तुम पे सने बहुत ज्यादा रखते हैं, इस कारण से ये व्याकुल हो गए हैं। हे पिता पिता, हे पिता पिता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम्हें मूर्छा आई है या किसी रोग ने घेरा है जो तबीयत ज्यादा घबराई है? माता माता, मंत्री मंत्री, मेरे पिता क्यों रुसाए हैं? या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? हे पिताजी, क्या हुआ तुम्हें? हे राम, पिताजी, हे मेरे राम। पिताजी राम, मेरे राम, मेरे राम। बेटा राम, तुम्हारी माँ के कई ने मुझे दो वरदान मांगे हैं। बेटा राम, कैसे कह दूं? हे पिताजी, कौन से वरदान हैं? आप हमें खुलकर बताइए ना। राम, तेरी माँ के कई ने पहले वचन में भरत को राज मांगा है। मुझे कोई संदेह नहीं, मैं जानता हूं मेरा राम त्यागी है। लेकिन राम, दूसरे वचन में तुम्हारी माँ ने मेरे राम का वनवास मांगा है। राम, पिताजी, बस इतनी सी बात? हे पिताजी, जो बड़ भागी बेटा होता है वो माता पिता का आज्ञाकारी होता है। पवित्र है हमारी जिंदगी जो आपकी आज्ञा का हमने पालन किया है। हे पिताजी, इसी बात पर उदास होने की वह भला क्या जरूरत है? वही बेटा भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। और मैं वन में जाऊंगा तो संत मुनियों के दर्शन करूंगा और मेरी भी जिंदगी सफल हो जाएगी। राम, मैं तेरी माँ कौशल्या को क्या कहूंगा, क्या मुंह दिखलाऊंगा, क्या दिखलाऊंगा? मेरे राम को उससे अलग कर दिया, क्या शकल दिखलाऊंगा उसे? वो पूछेगी मेरा राम का। हे पिताजी,
आप अपने मन को उदास ना कीजिए, मैं प्रातः काल होते ही वन की ओर चला जाऊंगा। राम बेटा राम, ये तुम्हारे पिताजी प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हें वन जाने के लिए आज्ञा नहीं देते हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, ये लो बनारसी भेष।